इस पर सख्त कानून की जरूरत है। और आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बताना चाहिए। हम तो एक ही प्रश्न आज चार दिन से पूछ रहे हैं कि उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वरगलाने का खेल क्यों खेलते हैं, अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों ना हो, जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग कहीं न कहीं बिहार के बच्चों का, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे। यही लोग हैं, इनके माता पिता के राजद शासन काल में बीपीएससी के दो दो चेयरमैन जेल गए थे, रमाशीष यादव जी और जहां आरा जी घर में कॉपी लिखवाते थे। अनुभवी लोग हैं, कांग्रेस इस सरकार में सम्मिलित थी, कोई मुंह है कांग्रेस को बोलने का। अरे क्या क्या खेल हुआ है, कहते हैं कि मेरे शासन काल में ये सिंघल साहब के समय में जो गड़बड़ी हुआ, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने मामला उठाया था, इनकार कर रहे थे लोग, बाद में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त किया, किसके शासन काल में था। जनता को बरगलाइए नहीं, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और ये बिहार के और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है। नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है, पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। लेकिन प्रियंका गांधी वो कड़ी के बीजेपी के शासनकाल के तहत शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य के अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि बिहार में शासन में वो बैठे थे, कॉपी घर में कौन लिखवाता था, दो दो चेयरमैन किस पार्टी से थे, कौन लोग थे, क्यों जेल गए थे, ये तो जवाब देना होगा कांग्रेस को भी ना, राजद को, दोनों को जवाब देना चाहिए। और आज भी जो विषय आया है इस पर ये लोग, कांग्रेस के लोग क्यों मुंह बंद कर लिए, बिहार के अंदर इन लोगों के साथ तार क्या है, गड़बड़ी करने वाले से संबंध क्या है, ये तो बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सम्राट चौधरी का फोटो है, गिरफ्तार अभी तो है, अमित अनंत के साथ फोटो दिखा रहे कर, इनका कनेक्शन क्या है। देखिए फोटो तो अभी रास्ता चलते कोई भी सेल्फी ले लेता है, कोई भी कहीं खिंचा लेता है, आपके पास प्रमाण है तो जारी करिए, उपलब्ध कराइए, होगी जांच, जो भी दोषी होगा होगी कार्रवाई। लेकिन बात बरगलाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए बहाना मत ढूंढिए। ये तेजस्वी यादव ने भी कहा कि संजीव मुखिया कौन है, संजीव मुखिया के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, जो जो भी है जहां का भी है सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बार बार इस तरह से माहौल से नकारात्मक वातावरण बनता है, इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए। और इसको दबाने और छुपाने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे। ये विजय सिन्हा जी सिवान में एक बार फिर एक सप्ते के अंदर दो कुबेर, और आज फिर है वो सिवान में एक है, वो पूरा पुल है। हम भी देखे हैं, जानकारी हमने लिया है अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव से, उन्होंने कहा है कि ये RWD का है और हमारे विभाग का नहीं है। हम तो पूरी तरह से निगाह और नजर रखते हैं, हम उस विभाग से भी संबंधित
माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे। लगातार सवाल खड़े थे बिहार में पुल गिरना, अगवानी पुल, फिर ये नहीं, अगवानी पुल का मामला में तो हमने संज्ञान में भी लिया है, माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें बता रहे थे, हमारे एसीएस की कुछ निर्णय हुआ, हमने कहा है कि फाइल आप भेजें एक बार देखेंगे, वैसे लोगों बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी गड़बड़ी करेंगे कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एक्टिव हैं इस तरह के सारे मामले पर। देखिए विद्वान लोग हैं और हमने पहले भी कहा था कि कुछ लोग सुधार की बजाय अंधकार में राजद को भेज रहे हैं, ये वही लोग हैं कि पद के लिए पैर पकड़ेंगे, सम्मान के लिए स्वाभिमान खो देंगे, छोड़ देंगे और सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए उन्माद पैदा करने वाले विचार रखेंगे। अब जाति की राजनीति नहीं होगी, सुन लें राजद के विद्वान लोग, अब जमात की राजनीति होगी, अब बिहारी का गौरव बढ़ाने की राजनीति होगी, अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले लोग की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए निश्चित तौर पर इस पर सख्त कानून की जरूरत है और आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बताना चाहिए। हम तो एक ही प्रश्न आज चार दिन से पूछ रहे हैं कि उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वरगलाने का खेल क्यों खेलते हैं? अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना? इनकी संपत्ति की जांच क्यों ना हो? जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों का, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे? यही लोग हैं, इनके माता पिता के राजद शासन काल में बीपीएससी के दो दो चेयरमैन जेल गए थे, रमाशीष यादव जी और जहां आरा जी घर में कॉपी लिखवाते थे, अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस इस सरकार में सम्मिलित थी, कोई मुंह है कांग्रेस को बोलने का? अरे क्या क्या खेल हुआ है। कहते हैं कि मेरे शासनकाल में ये सिंघल साहब के समय में जो गड़बड़ी हुआ, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने मामला उठाया था, इनकार कर रहे थे लोग, बाद में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त किया। किसके शासनकाल में था? जनता को बरगलाइए नहीं, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और ये बिहार के और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है। नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है, पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। लेकिन प्रियंका गांधी वो करी कि बीजेपी के शासनकाल के तहत शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य के अंधकार में ढके रहे हैं, तो मैं तो पूछ रहा हूं
कि बिहार में शासन में वो बैठे थे, कॉपी घर में कौन लिखवाता था, दो दो चेयरमैन किस पार्टी से थे, कौन लोग थे, क्यों जेल गए थे, ये तो जवाब देना होगा कांग्रेस को भी ना, राजद को, दोनों को जवाब देना चाहिए। और आज भी जो विषय आया है इस पर ये लोग कांग्रेस के लोग क्यों मुंह बंद कर लिए, बिहार के अंदर इन लोगों के साथ तार क्या है, गड़बड़ी करने वाले से संबंध क्या है, ये तो बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सम्राट चौधरी का फोटो है, गिरफ्तार अभी तो है, अमित अनंत के साथ फोटो दिखा रहे, फोटो तो अभी रास्ता चलते कोई भी सेल्फी ले लेता है, कोई भी कहीं खिंचा लेता है, आपके पास प्रमाण है तो जारी करिए, उपलब्ध कराइए, होगी जांच, जो भी दोषी होगा होगी कार्रवाई, लेकिन बात बरगलाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए बहाना मत ढूंढिए। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि संजीव मुखिया कौन है, संजीव मुखिया के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, जो जो भी है जहां का भी है सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बार बार इस तरह से माहौल से नकारात्मक वातावरण बनता है, इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए, और इसको दबाने और छुपाने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे। ये विजय सिन्हा जी सिवान में एक बार फिर एक सप्ते के अंदर दो पुल, और आज फिर है वो सिवान में एक है वो टूटा पुल है, वो नहीं, हम भी देखे हैं, जानकारी हमने लिया है अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव से, उन्होंने कहा है कि ये RWD का है और हमारे विभाग का नहीं है, हम तो पूरी तरह से निगाह और नजर रखते हैं, हम उस विभाग से इसी भी संबंधित माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे। लगातार सवाल कर रहे थे बिहार में पुल गिरना, अगवानी पुल, फिर ये नहीं, अगवानी पुल का मामला में तो हमने संज्ञान में भी लिया है, माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें बता रहे थे, हमारे SES की कुछ निर्णय हुआ, हमने कहा है कि फाइल आप भेजें एक बार देखेंगे, वैसे लोगों बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी गड़बड़ी करेंगे कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एक्टिव हैं इस तरह के सारे मामले पर। देखिए विद्वान लोग हैं, और हमने पहले भी कहा था कि कुछ लोग सुधार की बजाय अंधकार में राजद को भेज रहे हैं, ये वही लोग हैं कि पद के लिए पैर पकड़ेंगे, सम्मान के लिए स्वाभिमान खो देंगे, छोड़ देंगे, और सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए उन्माद पैदा करने वाले विचार रखेंगे। अब जाति की राजनीति नहीं होगी, सुन लें राजद के विद्वान लोग, अब जमात की राजनीति होगी, अब बिहारी का गौरव बढ़ाने की राजनीति होगी, अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले लोग की राजनीति।